नेता गुलाम नबी आजाद ने गुरुवार को कहा कि हवाई जहाज से घाटी का नजारा देखा, वहां हाईवे पर एक भी गाड़ी नहीं दिखी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नक्शे से जम्मू कश्मीर को मिटा दिया है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कश्मीर में घर से बाहर कोई नहीं निकल सकता। उनका कहना है कि एनडीए काला कानून लेकर आई है। साथ ही उन्होंने पूछा है कि कर्फ्यू लगाकर राज करना कौन सी बहादुरी है। इससे पहले गुलाम नबी आजाद को गुरुवार को श्रीनगर हवाई अड्डे पर बाहर निकलने से रोक दिया गया था। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री आजाद ने कुछ घंटे बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की कड़ी आलोचना की। वे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और राज्य के बंटवारे के केंद्र सरकार के फैसले पर कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करने पहुंचे थे। दिल्ली छोड़ने से पहले आजाद ने जम्मू कश्मीर पर लिए गए फैसले को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि डोभाल का शोपिया में कश्मीर नागरिकों के साथ दोपहर का भोजन और बैठक करने का कोई महत्व नहीं है। आजाद ने संवाददाताओं से कहा, पैसे देकर आप किसी को भी अपने साथ ले जा सकते हैं। दरअसल घाटी के हालात सामान्य दिखाने के लिए बुधवार को डोभाल राज्य के स्थानीय निवासियों के साथ दोपहर का भोजन करते देखे गए थे।